हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर्स चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है। बाबर के बारे में पढ़ेंगे, तो हेडिंग ले दो, हेडिंग दे लो, हेडिंग दीजिए जलालुद्दीन, सॉरी बाबर, ठीक है। अच्छा, हेडिंग बाबर आज पढ़ेंगे, जिन्होंने मुगल एम्पायर का फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडर है। तो इनका फुल नेम लिखिए, इनका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका फुल नेम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जो बाबर है, ये मैं लिखता हूँ, बाबर का अर्थ होता है टाइगर। ये इसको तुर्की लैंग्वेज में टाइगर कहते हैं। किसको? बाबर को। किस लैंग्वेज में बाबर को टाइगर कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका लिख लो बर्थ, यानी बॉर्न, 14 फरवरी 1483 में इनका बर्न हुआ था, ठीक है। तो कहां से बर्न हुआ था? फरगना। जगह कहां से? फरगना, जो आज की डेट में उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में अवस्थित है, ठीक है। आज की डेट में उज्बेकिस्तान में फरगना अवस्थित है। और इनका फादर और मदर, ठीक है, ये याद रखना कोई जरूरत नहीं, सिर्फ लिख लो फादर बिलोंग करते हैं तैमूर डायनेस्टी में, तैमूर वंश में ये बिलोंग करते हैं। और जो माता जी है वो चेंगीज खान वंश में बिलोंग करते हैं, ठीक है, थीके? ये थोड़ा थोड़ा याद रखना। और नेक्स्ट आता है आपका, इनका बाबर का पहले जो डायनेस्टी हुआ, उनका डायनेस्टी के नाम चगताई डायनेस्टी, ठीक है, चगताई डायनेस्टी, यानी चगताई का वर्ड आपका मिल जाता है चेंगीज खान की डायनेस्टी में। कहां पे बच्चा? चेंगीज खान की डायनेस्टी की तरफ से आपका मिल जाता है चगताई डायनेस्टी, ठीक है। अब देखो 1494 में इनका राज्य अभिषेक हुआ था, ठीक है। ये जो चगताई डायनेस्टी, ये जो माता पिता जी है चगताई डायनेस्टी में, बाद में मुगल डायनेस्टी हुआ, ठीक है। 1494 में, 94 ही बचा, ठीक है, आपका इनका एम्पायर यानी राज्य अभिषेक जैसे कहते हैं, एम्पायर स्टार्ट, राज्य अभिषेक, ठीक है, एम्पायर स्टार्ट 1494 में, ठीक है बच्चा। देखो भारत में जब लोधी डायनेस्टी, मैंने पढ़ाया था आपको, लोधी डायनेस्टी में आपका भारत में लोधी डायनेस्टी जब चल रहा था, तो उसी टाइम में दौलत खान लोधी और राणा संगा और आलम खान लोधी तीनों ने मिलकर बाबर को निमंत्रण करते हैं ताकि आप इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ सके, ठीक है। तीनों ने, ये इम्पोर्टेंट आ जाएगा, दौलत खान लोधी, ठीक है, आपका आ जाता है राणा संगा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके स्टार मार्क देके लिखो, राणा संगा, उसके बाद आ जाता है आलम खान लोधी, आलम खान लोधी, ये उसी टाइम से लोधी डायनेस्टी के टाइम पे, ये बंगाल का गवर्नर था, सॉरी पंजाब का गवर्नर, ये मेवाड़ का शासक किसने? राणा संगा ने, ठीक है। और जो आलम खान लोधी है, ये उनके परिवार से, लोधी, इब्राहिम लोधी के परिवार से, लेकिन इसके साथ कुछ पढ़ नहीं रहते, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट लिख लो, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या आ जाता है कि 1501 में समरकंद विक्ट्री, समरकंद एम्पायर थे,
उसको जीता है बाबर ने, ठीक है, उनका पहला युद्ध। उसके बाद आ जाते हैं 1504 में, 1504 में आपका काबुल विक्ट्री, आपका आ जाता है काबुल विक्ट्री, ठीक है बच्चा। और इनके फोर सन थे बाबर के, ठीक है, अस्करी, हिंदल, कामरान और नेक्स्ट आ जाता है आपका हुमायूं, जो कल हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, ठीक है। और ये तीनों सन को किसे किसे पदवी में यूज कर रहे हैं बाबर ने, उसके बारे में कल भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भारत में, हेडिंग दे लो, स्टार पॉइंट हेडिंग दीजिए, भारत में इंडिया अटैक बाय बाबर, इंडिया अटैक बाय बाबर। देखो बाबर ने भारत में कैसे प्रवेश किया है, खैबर की तरह, देखो यानी करीबन 1518-19 में यूसुफ वर्सेस यूसुफ जई जाति के खिलाफ बाबर ने लड़ा था और जीता था, ठीक है। कहाँ पे मेंशन है आपका, तुजक ई बाबुरी में, यानी बाबरनामा, तुजक ई बाबुरी में। उसी युद्ध में फास्ट बारूद का यूज कर रहा था बाबर ने, इन्होंने बोलता क्या, भारत को जो प्रवासी लोग है, भारत में जो लोग है वो मरना जानते हैं, युद्ध करना नहीं जानते, इन्होंने उसी टाइम से पुकारा था, ठीक है, तुजक ई बाबुरी में बनना गया है। नेक्स्ट आता है 1519 में इन्होंने खैबर दर्रा में एंटर किया था, जो पेशावर है पाकिस्तान अभी है वहां पे, खैबर दर्रा में, खैबर पास कहाँ पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, उन्होंने एंटर किया था खैबर दर्रा में, ठीक है बच्चा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आ जाएगा। और नेक्स्ट जो युद्ध, मेन मेन प्रमुख युद्ध आपको मैं बताता हूँ, स्पेस फॉर्म में अभी देखो, मेन युद्ध चार प्रमुख युद्ध आपका आ जाता है अप्रैल 1526 पानीपत युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वर्सेस किसके साथ, आपका इब्राहिम लोदी के साथ, जो मैंने इब्राहिम लोदी का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, अगर किसी ने नहीं देखा है जाके देख लेना और एक बार भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बड़ी वाला स्क्रिप्ट। इब्राहिम लोदी के साथ इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था, ठीक है, और वहां पे जीत कर मुगल डायनेस्टी का फाउंडर मतलब स्टार्ट किया था, स्टार्ट मुगल डायनेस्टी। और इनके साथ साथ एक टाइटल ने भी मतलब ही अक्यूर्ड द टाइटल दैट्स नेम इज कलंदर, ठीक है, एक कलंदर का टाइटल पानीपत में यूज होता है, मान लो पानीपत में जो भी जीतेगा कलंदर का टाइटल उसके पास होगा, बाबर ने जा बाबर के पास कलंदर टाइटल हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 1527 ये खानवा बैटल, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है, किसके साथ, वर्सेस राणा संग, जिसने बुलाया था बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, किसने बुलाया था, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, राणा संग, ये मेवाड़ के शासक है, ठीक है बच्चा, ये मेवाड़ के शासक, किसने, राणा संग ने, ठीक है, राणा संग को हरा दिया और टाइटल गाजी टाइटल उन्होंने एक्वायर किया, किसने, बाबर ने गाजी टाइटल एक्वायर किया, ठीक है बच्चा। यहाँ पे एक स्लोगन भी इन्होंने पुकारा था, जिहाद की नारा दे रहा था बाबर ने, ठीक है, जिहाद की नारा दे रहा था। और उसके साथ साथ इस युद्ध में आपका तमोगा टैक्स, एक तमोगा टैक्स होता है,
उसको हटाया था, और साथ साथ अल्कोहल को बैन भी, उसके साथ साथ अल्कोहल बैन भी इसने किया था, इसने बाबर ने इसी युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका 1528 जान, ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है, ये मेदिनी राय के साथ वर्सेस मेदिनी राय साथ लड़ा था और जीता। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1529 में, ठीक है बच्चा, 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, घाघरा, घाघरा वर्सेस मोहम्मद लोधी, किसके साथ, मोहम्मद लोधी के साथ लड़ा था और जीता था। जो मोहम्मद लोधी है, इधर लिखता हूं, जो मोहम्मद लोधी है ये कंबाइंड अफगान, अफगान का आदमी है, ठीक है बच्चा, कंबाइंड अफगान रूलर ऑफ बंगाल एंड बिहार, ठीक है, ठीक है बच्चा, तो इसको मिटाता हूं, ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके आ रहे थे। ठीक है, अभी ये देखो 26 दिसंबर 1530 में बाबर का डेथ हुआ, ठीक है, कहां पे, आगरा में, ठीक है, ये भी लिख लो 26 दिसंबर डेथ ऑफ बाबर, ठीक है, डेथ ऑफ बाबर, बाबर कहां पे, आगरा में, कहां पे बच्चा, आगरा में, ठीक है, कहां पे, आगरा में। उसके बाद इनको जो इनका टॉम्ब है उनको, यानी इनको समाधि जिसे कहते हैं, आरब बाग में दफनाया गया, इनका जो समाधि है आरब बाग में, जो आगरा में दफनाया गया। आफ्टर दैट उसके बाद काबुल ले गए थे इनका, अभी है काबुल में इनका समाधि है, ठीक है, तो ये था काबुल में टॉम्ब ऑफ बावरी, टॉम्ब ऑफ बाबर, ठीक है बच्चा, काबुल में है। नेक्स्ट आ जाता है स्टार, देख लिख लो, इनके द्वारा कुछ प्रस्तुत किया है इंस्ट्रूमेंट, गज ए बाबुरी, गज ए बाबुरी, गज ए बाबुरी, ये क्या होता है, ये आपका होता है मेजरमेंट ऑफ रोड, क्या होता है आपका, मेजरमेंट ऑफ रोड, क्या होता है आपका, मेजरमेंट ऑफ रोड। और इसके साथ साथ और एक पॉइंट लिख ले लो, गंजीफा, गंजीफा इश्कबाजी, ये बाबर का द्वारा रचित कार्ड गेम होता है गंजीफा, और इश्कबाजी फाइट ऑफ बार्ड गेम, ठीक है, ये बाबर का रचित का दो गंजीफा कार्ड गेम होता है, और इश्कबाजी कबूतर के पक्षियों का फाइट गेम होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ एक लिख लो रिसाल ए उसाज, ठीक है, और एक स्टार देख लिख लो रिसाल ए उसाज, ये होता है अलंकार पुस्तक, बाबर के द्वारा रचित अलंकार पुस्तक, ठीक है, बुक। और नेक्स्ट आता है मुगरिया, ये छंद, ठीक है, मुगरिया, मुबरिया, ये छंद बाबर के द्वारा रचित, जो छंद अलंकार होता है ना, वो चीज, वासेस जिसको कहते हैं, ठीक है,
ये था इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ बाबर के द्वारा रचे। तो आज के लिए बस इतना, कल हुमायूं पढ़ेंगे, हुमायूं का राज्याभिषेक, सब कुछ हुमायूं के बारे में, और बीच में शेर शाह भी आ जाएंगे, वो अफगान रूलर है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज पढ़ेंगे। तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना अच्छा वीडियो को, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन कंटेंट मैंने पढ़ाया था, होपफुली यू एंजॉय द क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। तो अपकमिंग एग्जाम खूब जल्दी अनाउंस होगा, तो पढ़ाई भी साथ साथ कर लेना, ठीक है। इसका जो खत्म होगा इनका, मैं वन हैंड वन लीनियर क्वेश्चन लेके आऊंगा, सीधे इस क्वेश्चन की यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जैसे मैथ क्लास में डिस्प्ले होता है, आप डायरेक्ट आंसर बता देना नंबर वाइज, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत बच्चा, थैंक यू।